हमीरपुर जिला के अति दुर्गम क्षेत्र बीड बघेड़ा में अश्विनी शर्मा व आशा शर्मा के गर्जन में सूर्य शर्मा की शिक्षा हमीरपुर व चंडीगढ़ में हुई। उनके पिता हमीरपुर के सलासी में रहते हैं। उन्होंने मुंबई में एक्टिंग का डिप्लोमा बैरी जॉन एक्टिंग स्कूल से लिया। हमीरपुर में सूर्य शर्मा के पिता अश्विनी शर्मा ने इनकी मेहनत की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि आगामी समय में वे फिल्मों में अभिनय करेंगे तथा इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सूर्य शर्मा ने फिल्म नगरी मुंबई में अपनी पहचान बना ली है। सोनी टीवी के सीरियल महाराणा प्रताप में पाशा खान के किरदार से सूर्य को पहचान मिली। अब सूर्य फिल्म इंडस्ट्री में सफल अभिनेता बनने के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। हमीरपुर जिला के अति दुर्गम क्षेत्र बीड बघेड़ा में अश्विनी शर्मा व आशा शर्मा के घर जन्मी सूर्य शर्मा की शिक्षा हमीरपुर व चंडीगढ़ में हुई। उनके पिता हमीरपुर के सलासी में रहते हैं। उन्होंने मुंबई में एक्टिंग का डिप्लोमा बैरी जॉन एक्टिंग स्कूल से लिया। हमीरपुर में सूर्य शर्मा के पिता अश्विनी शर्मा ने इनकी मेहनत की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि 2.5 साल पहले वे मुंबई गए थे, लेकिन मुंबई में जाकर उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा तथा अभिनेता बनने के लिए कई निदेशकों से संपर्क किया। इसके बाद उन्हें काम के लिए कॉल आने लगे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने कम समय में वे अपनी जगह बना लेंगे। उन्होंने बताया कि सबसे पहले उन्होंने एपिक चैनल के टीवी सीरियल कहा सुनी, सोनी टीवी के महाराणा प्रताप सीरियल के पाशा खान, रिपोर्टर जय किशन, सिंघानिया, काला टीका, एक रिश्ता साझेदारी का में काम किया है। इसके साथ एड कंपनियों के लिए भी वे कार्य कर रहे हैं। उनका कहना है कि टीवी सीरियल के बाद अब जमाना वेब सीरीज की तरफ बढ़ रहा है। वेब सीरीज में भी वे काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि तीसरी कक्षा में पढ़ते समय एक रोल उन्होंने किया था तथा उसी से इस क्षेत्र में जाने की प्रेरणा मिली। उन्होंने कहा कि आगामी समय में वे फिल्मों में अभिनय करेंगे तथा इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट वेब सीरीज में उन्होंने काम किया, पहली मई को रिलीज हुई है। अप्लॉज एंटरटेनमेंट करके ग्रुप है, उनके प्रोडक्शन हाउस है आदित्य बिरला ग्रुप का, उन्होंने बनाई और इसके इसका नाम होस्टेसिस है। और डायरेक्टर हैं इसके सुधीर मिश्रा, बड़े जाने माने डायरेक्टर हैं, अवार्डी डायरेक्टर हैं। उन पर काम किया है, अच्छा काम किया है। फिल्म इंडस्ट्री में भी इसकी बड़ी अप्रिसिएशन होती है और वहाँ से मुंबई के मीडिया ने भी इसको बड़े पॉजिटिव तरीके से और बड़े अप्रिशिएबल तरीके से इसको आगे भी एक और वेब सीरीज काम में आजकल काम कर रहे हैं, तो वो नवंबर दिसंबर में रिलीज होने वाली है। जितने ऑन गोइंग काम होते हैं उनका नाम नहीं दिया जाता, तो वो अगेन अप्लॉज आदित्य बिरला ग्रुप ही कर रहा है उसको। उसके डायरेक्टर हैं सिद्धार्थ सैन गुप्ता, ये वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने बालिका वधू बनाई, वहाँ काम कर रहे हैं। उसमें लीड रोल है इनका, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। वेब सीरीज लॉन्च हो चुकी है, वो हॉटस्टार पे है, और जो आने वाली वेब सीरीज है वो आज तक क्लेम कर रहे हैं कि नेटफ्लिक्स पे आएगी, पर वो डिपेंड करता है उस टाइम कितना क्वालिटी होती है, क्या इनका आपस में एग्रीमेंट होता है। तो या तो हॉटस्टार पे होगी या नेटफ्लिक्स पे। अमित बचपन से ही ये होनहार था बच्चा, तो लगता था ऐसा। तो बाकी मेहनत की उसने, परमात्मा का शुक्र है और आप सब भाइयों की गुड विशेज है, तो उसने काम किया। मैं जो उसकी प्रोग्रेस है उससे संतुष्ट हूँ, लगता है कि कुछ और आगे बेहतर प्रोजेक्ट करें। ये एक्चुअली जैसे ही शूट ख़त्म होता है उसके बाद आएंगे दोबारा तो मिलेंगे। सूर्य ने अराउंड 12-15 सीरियल में काम किया है, दो फिल्मों में काम किया, जीनियस और वीरेटी बैटिंग में किया है। उसके अलावा इन्होंने ऐड में काम किया है, बहुत सारे थिएटर किए हैं।